थैंक यू. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी तक अभाव फाउंडेशन की ओर से मैं घनश्याम तिवारी फाउंडर प्रेसिडेंट आप सभी का स्वागत करता हूँ. मूविंग ऑन फॉर टूडेज 239th वन डे वेबिनार ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग. वी हैव विद अस अवर गेस्ट स्पीकर मिसेज रहीमोनिशा बेगम मैम, एडवोकेट एंड एकेडमिशियन फ्रॉम विशाखापट्टनम, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली. मैम, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ अभाव फाउंडेशन एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर. पार्टिसिपेंट आप सबका भी मैं स्वागत करूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें. आपकी जो भी क्वेश्चन रहेगी, क्वेरी रहेगी, तो प्लीज आप टाइम टू टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा. हम प्रयास करेंगे सेशन के लास्ट में आपकी क्वेश्चंस का आंसर लें. और हमेशा की तरह हम सेशन के लास्ट में एक कोड शेयर करेंगे. उस कोड को आपको हमारे वेबसाइट पे जाके गूगल फॉर्म में अटेंडेंस फॉर्म जिसको हम बोलते हैं उसमें आपको सबमिट करना होगा. उसी के माध्यम से हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं. तो नाउ आई रिक्वेस्ट टू अवर गेस्ट स्पीकर मैम, प्लीज स्टार्ट द सेशन. वेलकम यू मैम. थैंक यू सो मच. तो हम सब कोरोना की मतलब कि सेकेंड वेव थर्ड वेव की म्यूटेशन से मतलब वी आर जस्ट थोड़े डरे हुए हैं, थमे हुए हैं. वी आर ऑल यू नो सफरिंग अ लिटिल राइट. इन स्पाइट ऑफ दैट आई पर्सनली रिक्वेस्ट अभय फाउंडेशन पीपल टू कैरी ऑन दिस गुड वर्क ऑफ यू नो अवेयरनेस एक्टिविटीज. जैसे वेबिनार्स वो कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जो भी एकेडमिक एक्टिविटी चालू है, वी रियली अप्रिशिएट दैट राइट. So this is Rahim Unnisa, an advocate by profession and an academician by choice. मैं बहुत सारे NGOs से जुड़ी हुई हूँ. कब का 98 का मैंने लॉ किया हुआ है, उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ लॉ भी किया. तो जब से हम ये प्रयास रखते हैं कि हम अपने सारे कोर्ट सिटीजन्स को सारे इंडियंस भाइयों और बहनों को लॉ की लीगल अवेयरनेस, लीगल एड, फ्री लीगल सर्विस दें करके, तो इसी प्रथा में हम अभय फाउंडेशन से भी जुड़े थे. और फिर भाइयों ने कहा कि आप हमारे मंच पे भी आइए, हमारे साथ भी काम कीजिए, एक फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर एक प्रोग्राम करते हैं करके. तो इसी तरह हम लोग ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं. हालांकि COVID-19 बहुत ज़्यादा ही गंभीर रूप में है, बट हमें वो पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी चाहिए, नॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए, हौसला नहीं छोड़ना चाहिए. तो इन चंद बातों से मैं आप सभी को नमस्कार कहती हूँ. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो आई हार्टफुली एक्सटेंड वार्म थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. सो जैसे हम जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवर बेसिक डॉक्यूमेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवर बेसिक डॉक्यूमेंट राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल लॉ, भले ही हमारे संस्थान में ये सब कहा गया है कि we are a secular nation, we are a democratic nation, we are a republic nation, we are a nation with socialistic fabric of society right, but hum dekhte hain ki kitno ko law pata hai, kitno ko ye samvidhan ki dharaein pata hai, kitno ko ye pata hai ki hum apna paryavaran mein hame ruchi rakhni hai, hame apne samvidhan ke sath chalna hai. We need to take account of our you know natural resources, environment protection, we need to minimize pollution, we need to understand that we have a fundamental duties. Most of you might be aware that Indian constitution is the fundamental document of the law. Right? Indian constitution is not only the fundamental document of the law, but it is also a fundamental document of the nation as such. Nation as such, because jaise preamble hum dekhte hain ya fir constitution ki dharaye hum dekhte hain, every article in itself is so wonderfully drafted by the then chairperson Dr. B.R. Ambedkar ji and his entire team, scholars of maybe 250-275 members put their brain together right. Though we have several names who have been done a remarkable job in drafting the constitution, framing the constitution, putting up so many clauses and all, but shay to leader ko jata hai right. To is prakar se hum architect of the constitution Dr. B.R. Ambedkar ji ko hum pranam karte hain. Ye desh unka bahut aabhari rahega, kyunki ek dalit ladka jisko matlab ki maarte the, peette the, usko nahi aane dete the padhne ke liye, aaj usi ki constitution hum padh rahe hain. To ye सब बातें कहाँ हो सकती है, होती तो सिर्फ इंडिया में ही हो सकती है. यहाँ
एक डेस्टिट बिकम द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट has been taking a very great place, right? Irrespective of the caste, creed, religion, whatever. So, fundamental duties Indian constitution mein yahan rakhe gaya hai ki hamare paas bahut sare part 3 of the constitution deals with the fundamental rights. Jaise hum kehte hai na, humko hamari haq do, hamari haq ki maange kar rahe hain, hamara haq pura karo. Achha bhai, hum log haq ki baat kar rahe hain, but what about duties? सब लोग अगर राइट्स की बात करेंगे तो ड्यूटीज कौन करेगा? सो दैट इज द बेसिक थिंग विच वी एट लॉ टीच द स्टूडेंट फ्रेंड्स और द पीपल एट लार्ज इज कि व्हेन यू स्पीक अबाउट राइट्स वी वंडरफुली अप्रिशिएट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग राइट कॉन्शियस बट वी नीड टू बी ड्यूटी कॉन्शियस ऑल्सो. जैसे मैं कहती हूँ अपने माँ बाप से मुझे ये चाहिए, गोल्ड चाहिए, पैसे चाहिए, साड़ी चाहिए, मुझे अपनी विधि भी करनी चाहिए, राइट? मैं सिर्फ एक राइट कॉन्शियस नहीं हूँ, नहीं होना चाहिए, मुझे अपनी ड्यूटी कॉन्शियस भी होना चाहिए. मुझे अपनी माँ बाप के प्रति, जो मैं एक बेटी हूँ तो मेरे ड्यूटी क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है. ऐसे ही अपने देश से, जहाँ हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित हो, देश से हम बहुत सारे मतलब महत्वपूर्ण है, जैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब कुछ, तो कहाँ से आता है? वी द पीपल. नेक्स्ट स्लाइड. वी द पीपल इन द सेंस की सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया को क्या चाहिए? हमें आजादी चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए कि हमें अपनी लाइफ एंड लिबर्टी पूरी तरह से जीने का मौका दे. जहाँ शादी करनी है शादी कर सकते हैं, जो नौकरी करना चाहिए नौकरी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की. और हम ये भी कह सकते हैं कि रिलीजन का राइट भी हमारे पास है. जिसको हिंदू धर्म चाहिए वो हिंदू धर्म कर सकता है, जो मुस्लिम है जो उसका अपना धर्म कर सकता है. ये सब बातों की छूट मिल रही है. कहाँ से मिल रही है? हमको वी इन द सेंस कि हम सब मिले हुए हैं. हम सब ना कि घर से अलग हैं, कलर से अलग हैं, रूप से अलग हैं, एज से अलग हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हमारे से, फिर भी हम वी द पीपल संविधान से जुड़े हुए हैं, इंडिया की भारत माता की वो जो मतलब जज्बे से जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल्स से जुड़े हैं. तो अपार्ट फ्रॉम द राइट्स, what we need to understand is, we need to understand that there are certain duties we the citizens of India has to do. Next slide please. जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि कब आया ये fundamental duties को, कब आया, बहुत सारे amendments किए गए. fundamental duties were included in the constitution by the 42nd amendment. हालांकि हमारा constitution नवंबर 26 में 1956 में आया था, बहुत 20 साल के बाद हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया. पहले ही नहीं था हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का इरादा, हमारा कुछ भी नहीं था. बट जैसे जैसे वक्त बीता गया, एज लॉन्ग एज वी स्टार्टेड थिंकिंग दैट राइट्स आर नॉट इनफ, वी नीड टू गो फॉर ड्यूटीज ऑल्सो, सो नो सूनर वी हैड 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द न्यू फ्रेज्ड वर्ड कॉल्ड एज फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन इंसर्टेड एज द न्यू आर्टिकल अंडर आर्टिकल 51A व्हिच बिलोंग्स टू पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो ये रिकमेंडेशन किए गए कि अरे भाई चलो, हम लोग इतने सारे नागरिक हो गए, ये वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट जो हो गया, वी द पीपल हो गया, तो इन पीपल को करना क्या चाहिए? कौन सी धारा, मतलब कि कौन सा काम करना है, कौन सा कर्तव्य करना है, कौन सी ड्यूटी निभानी है, कौन सी ऑब्लिगेशन करनी है? सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैज इंसर्टेड थ्रू दिस 42nd अमेंडमेंट अ चैप्टर कॉल्ड एज फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट? सो ऑन द 3rd January 1977 द रिकमेंडेशंस व्हिच वर पास्ड इन द ईयर 1976 केम इनटू इफेक्ट. सो 3 जनवरी 1977 से लेकर आज तक हमें ये देखने को मिला है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन करेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज किसके ऊपर लागू है. अगर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड, हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज को बैलेंस किया जाता है. जब आप राइट्स के इतने अच्छे बातें करते हैं, राइट कॉन्शियस होते हो, राइट डिमांड करते हो कि मुझे ये क्यों नहीं दिया गया, वो क्यों नहीं दिया गया, इसमें भाग क्यों नहीं दिया गया, उसमें भाग कैसे नहीं किया गया, तो ड्यूटीज पे आप बात नहीं, आप क्यों नहीं करते? ड्यूटीज में आप ये क्यों नहीं करेंगे कि मैं आऊंगा पहले? ये डिफेंस का, मिलिट्री का, एयरफोर्स का ही नहीं अपना ड्यूटी करना, ना ही लीडरों का काम है, हम सबका काम है. जैसे कोविड 19 चल रहा है तो हम सब पे भारी है, ना कि थोड़े ही लोगों को.
तो ड्यूटीज कौन करेगा? ड्यूटीज हम सबको करना चाहिए। हमारा संविधान है, हमारा देश है, हमारा कर्तव्य है। ये हमारे देश में हम अपने घर में काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो विद दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव, विद काइंड दैट काइंड ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव माइंड, विद दैट काइंड ऑफ ड्यूटी इन हार्ट एंड ऑब्लिगेशन इन द हेड, वी नीड टू मार्च फॉरवर्ड। वी नीड टू डू सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स एनी वे यू आर एंटाइटल्ड फॉर, यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ राइट्स। राइट्स तो अनगिनत राइट्स हैं आपके पास, ड्यूटीज बहुत कम है, मगर फिर भी आप कीजिएगा, क्योंकि ये संविधान चाहता है, ये कोई और नहीं चाहता, ये आपका भारत देश चाहता है, आपकी संविधान चाहती है, आपकी न्याय व्यवस्था चाहती है, आपको ये एक ऑब्लिगेशन है, ये एक ड्यूटी है। आप इस भारत माता के बच्चे हो तो आप बच्चे होने का फर्ज निभाना पड़ता है। तो फंडामेंटल ड्यूटी संविधान के माध्यम से हमें ये कहा गया है कि तुम ये 10, 15, 11, 14 जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, प्राथमिक जो है कर्तव्य, आपको निभाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको हम इतना कुछ दे रहे हैं, धरती इतना कुछ दे रही है, घर आपको इतना कुछ दे रहा है, देश इतना कुछ दे रहा है, आपके लिए सुरक्षा है, आपके लिए रक्षा है, आपके आपके लिए खाना पीना है, आपके लिए इतने सारे मतलब कि एम्यूजमेंट्स की चीजें हैं, रिक्रिएशन की चीजें हैं, घूमने की चीजें हैं, हिस्टोरिकल हेरिटेज है, कल्चर है, आपका देश इतना महान देश है, तो आप इतना नहीं कर सकते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उसकी रक्षा कीजिए, अगर रक्षा नहीं कर सकते तो सुरक्षा कीजिए। रक्षा सुरक्षा की तो दूर की बात, आप इसको बुरा मत करना, बुरा मत कहना, और इसको गलत नहीं कहना, एटलीस्ट वो तो हम कर सकते हैं, राइट? वी ऑल मे नॉट गिव न्यू कल्चर, वी ऑल मे नॉट क्रिएट न्यू क्रिएशंस, बट व्हाट इज देयर इन कल्चर, व्हाट इज देयर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज देयर एज अ हेरिटेज, एटलीस्ट we can safeguard that, we can protect that, if not promotion you can do it. So fundamental duties, jaise hum kehte hain ki maulik kartavya, maulik in the sense ki basic, jo basic rights hote hain, aise hi basic duties hoti hain. Aapko kahin space pe ja ke wo karne ki zarurat nahi hai, aap jo nahi kar sakte wo kuch bhi nahi karna hai, aapko jo kar sakte hain, jo aap jahan tak aapki pahunch hai, jahan tak aapki economic, social, religious, cultural viability hai, wahan tak ka fundamental duty aap kijiye. जैसे मैंने कहा, अगर कुछ आप कंस्ट्रक्टिव नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, डेडिकेटेडली नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, बट मिनिमम लेवल से, बेसिक लेवल से, व्हाट ऑल यू कैन डू टू प्रिजर्व योर कल्चर, प्रिजर्व योर हेरिटेज, योर फैमिली, योर जैसे लेक्स, रिवर्स, जैसे आप अपनी नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट कीजिए, नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट कीजिए, कल्चर को हाईलाइट कीजिए, हमारा जो एकता का भावना है, जो संदेश है, जो हिंसा के प्रति हमारा सिस्टम है, इन सब की बातों से आप थोड़ा सा महसूस रहिए, थोड़ा सा अपना व्यक्तित्व इतना बढ़ाइए कि आप चारों को बोलिए, लाइक यू प्लीज स्प्रेड द वर्ड, वर्ड ऑफ माउथ, कि हमारे संविधान ये है, हमारे राजकीय नेता ये है, हमारे कार्यकर्ता ये है, हमसे संविधान ये चाहता है, हमारा न्याय व्यवस्था में एक लिखित रूप से लिखा हुआ है कि हमको अपना कर्तव्य निभाना है। Next slide, please. So, in addition to the kind of a basic duties which you need to do, what you need to understand is, you need to understand that in Article 51A of the Constitution, of the Indian Constitution, the fundamental duties have been incorporated. In one article, Article 151A, there are around 11 clauses where you will understand that these are the different measures where you need to be very, very symbolic, very, very proactive, very, very a kind of a encouraging person, a kind of a trend-setting person, that you need to look into what are your immediate goals, what are your immediate role, what is you as a individual, as a citizen of India, whether you are a male person or a female person, that doesn't matter a lot. If you are a person, if you are an Indian citizen, if you are residing in India, then it is your responsibility, it is your duty that you need to look into. Next, please. So, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे कि हमारे duties है क्या, हमको करना क्या चाहिए, तो इसका मीनिंग क्या है, ऑब्लिगेशन टू बी फॉलोड बाई द सिटीजन। जैसे मैं कह रही हूँ, ये मॉरल है, ये एक लीगल एथिकल ऑब्लिगेशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये कहता है कि आप सब भारत माता के बच्चे हो, तो आप बच्चे होते हुए पेट्रियोटिज्म को जगाए, अपने दिल में एक जज्बा जगाए, हम भारत के बच्चे हैं, हम भारत माता के बच्चे हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम इतनी बड़ी देश के वासी हैं, हम इतने बड़े देश में रहते हैं, ये देश हमारा बहुत बहुत बलिदानों वाला देश है, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत सारे कर्तव्य किए, बहुत सारे राजा आए, हमको लूट के गए, हमको इतना नाकाम करके छोड़ के गए, फिर भी हम लोगों ने बढ़ा,
हम कुछ ना होते हुए 1947 जब ब्रिटिश हमको छोड़ के गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं था. लास्ट 74 years, 70 plus years, we have literally grown. बहुत 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 ताकत से हम आगे बढ़े. आज इतना ताकत से हम आगे बढ़े कि देश इतना आगे पहुंचा है स्पेस कल्चर में, स्पेस रिसर्च में. आप इसरो के माध्यम से हो, आप साइंटिफिक एडवांसमेंट करते हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांस में हो, आपकी इतनी हिस्टोरिकल बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है आपकी, और आपका कल्चर तो हर एक मानते हैं कि इंडिया का कल्चर भाई बहुत अच्छा सा कल्चर है, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है. हालांकि दो चार छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी राइवलरीज होती हैं, छोटी छोटी थिंग्स हो सकती हैं, बट पेट्रियोटिज्म में हम कभी भी कमी नहीं रह गए. तो हमारे इतने स्ट्रॉन्ग विंग्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिटीज हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा योगदान दिया. तो नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी द डेफिनेशन पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज. व्हाट इज दिस फंडामेंटल ड्यूटीज, व्हाट हैज बीन डिफाइंड. द फंडामेंटल duties are defined as the moral obligations of all the citizens to promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. These duties set up in the part 4A of the Indian Constitution concerns individuals of the nation. They are not legally enforceable. They are held by the Supreme Court to be obligatory. जैसे कि आप अपना घर में काम नहीं करते तो आपको कोई किसी की तरह की शिक्षा नहीं मिलती, बट आपको अपना कर्तव्य निभाना है, आपको अपना धर्म निभाना है, आपको अपना रोल निभाना है, आपको अपना होने का जीवन का एक मकसद होता है, जिसकी जो ड्यूटीज होती हैं, सोशल ड्यूटीज होती हैं, रिलीजियस ड्यूटीज होती हैं, कल्चरल ड्यूटीज होती हैं, फिजिकल ड्यूटीज होती हैं, ना कि आपका रोल. जैसे आप माता हो तो आपकी माता की ड्यूटी है, जैसे बहन हो तो आपकी बहन की ड्यूटी है, जैसे आप किसी की पत्नी हो तो पत्नी की ड्यूटी है, जैसे ही ऐसे जो रोल्स आप घर पर निभाते हो, आप उन सबसे बड़ी ड्यूटी है कि आप सिटीजन हो. पहले आप कहीं बाहर जाएंगे तो पूछेंगे आप किस देश से आए हो, वो नहीं पूछेंगे कि आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, शादीशुदा हो, पढ़े हो लिखे हो, वो नहीं. फर्स्ट थिंग इज यू विल गेट वर्ड आस्क्ड टू यू कि आप किस देश से आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, दैट इज योर आइडेंटिटी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको करना क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है. हम एक के बाद एक देखेंगे. ये ड्यूटीज जितने भी हमको दिया गया है, जितने भी हमसे चाहते हैं कि हम इन सब पे काम करें, तो हम वी विल सी इन वन बाय वन, राइट. सो टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द आइडियल्स एंड द इंस्टीट्यूशंस. जैसे ही मैंने शुरुआत में कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉ ऑफ द लैंड. इट्स अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप. हमारी जो गवर्नेंस है, हमारी जो गवर्नमेंट प्रथा है, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बैठी हुई है. सो डेमोक्रेसी क्या है? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. यहाँ लोग इलेक्ट होते हैं, लोकसभा राज्यसभा को जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं, और एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं, गवर्नर्स होते हैं, और इनकी एक प्रथा बनती है. इन सब मिलकर हम लोगों को परिपाल करते हैं, रूल करते हैं. जैसे कि कोई ना कोई हमें देखने वाला चाहिए, कोई ना कोई एक फादर फिगर चाहिए, कोई कोई पेरेंट फिगर चाहिए, गाइडेंस के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, हमें दिशा दिखाने के लिए. ऐसा ही ये पॉलिटिकल माहौल रहता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि न्याय व्यवस्था होनी कैसे चाहिए, पॉलिटिकल व्यवस्था होनी कैसे चाहिए, कौन सा राज क्या काम करेगा, इंटर स्टेट इश्यूज कैसे होते हैं, लॉ मतलब क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, मशीनरी क्या है, मैकेनिज्म क्या है, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट कौन बन सकता है. सो इन सब बातों को देखते हुए Constitution has been decided as the fundamental document, legal document, which is the governing guidance light for the other laws coming into force. So whichever law which is not in toto with the principles which have been enshrined in the Constitution of India, that will be called as null and void. So it is left to the wisdom of the people of India, the legislative framework, the mechanisms, the institutions, that they should all work in toto within the principles which have been imbibed in our Indian Constitution. So Constitution ek basic document hoti hai, iske anusar hame aage chalna hai, right? And second, to respect the national flag and national anthem. Jaise jaise hum log do festivals karte hai, national festivals, जैसे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे. इंडिपेंडेंस डे जैसे अगस्त 15 को हम मनाते हैं, और रिपब्लिक डे जैसे जनवरी 26 को मनाते हैं. ये दो नेशन फेस्टिवल्स मानी जाती है. तो जब अगस्त 15 आता है, हमारे दिल में एक जज्बा उभरता है. जब आप सुनते हो जनगण मना, वंदे मातरम, कैसे आपकी रोंगटे खड़ी हो जाती है. क्यों?
आपका दिल जो है वो इंडियन है, जैसे कहते ना मेरा दिल तो इंडियन है करके, तो आपका जो भारतीय दिल है वो धड़कने लगता है, क्योंकि यू हैव दैट रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, यू हैव दैट रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम। जितने भी गाने आपने सुने होंगे वो सब एक तरफ होती है, आपका मनपसंद गाना भी शायद आप में वो जज्बा ना ला सके जो नेशनल एंथम आपके लिए ला सकता है। जैसे वंदे मातरम कहीं गाया जाता है, जन गण मना कहीं गाया जाता है, तो इतनी मतलब कि हमको शान से हम गाते हैं, हम शिद्दत से गाते हैं, हम ये सोच के गाते हैं कि ये हमारा देश है, ये हमारा गाना है, हम नहीं गाएंगे तो कौन गाएगा, हमें गर्व होता है गाना गाने में, राइट। ऐसे ही आपने नेशनल फ्लैग पकड़ के, हम लोग जैसे स्कूल में फ्लैग होस्टिंग करते थे, कॉलेजेस में करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में करते हैं, जैसे कोई कोई घर पे भी करता है, रखता है, तो इट गिव्स अ प्लेजर, अ काइंड ऑफ अ प्राइड फीलिंग होती है। प्राइड तो हालांकि मैं पर्सनली प्राइड नेगेटिव वर्ड मानती हूँ, बट हमें इस बात का गर्व तो जरूर होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हम अपना फ्लैग सबसे ऊंचा दिखा के, जैसे हम माँ तुझे सलाम करके आगे बढ़ते हैं, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। और हमको ये रियलाइज करना है कि एसेंशियल आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड नॉन वायलेंस, जैसे हमारे फादर ऑफ द नेशन पितामह गांधी जी ने हमें एक राह बताई, वायलेंस पे तो सब लोग चलते हैं, वायलेंस का तो सबका हाथ होता है, वायलेंस का तो सबका अपना ठिकाना होता है, नॉन वायलेंस पे चल के दिखाइए। नॉन वायलेंस से हमने ये जंग जीती है, हमने ब्रिटिश हाथ नहीं लगाया, ना ही मारा, ना ही टोपे फैलाए, ना ही बॉम्ब फेंका, ऐसे ही हम सच की राह पे चल के, हम फ्रीडम फाइटर्स मिलके, हम लोगों ने शांति युद्ध का हम लोगों ने एक ऐसा इंडिकेशन दिया वो लोगों को कि वो लोग दुम दबा के भाग के चले गए आज रात को। तो दैट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट विक्ट्री एज फार एज द हिस्ट्री हैज सीन। ये विक्ट्री हिस्ट्री में इतनी अच्छी तरह से लिखी गई है कि वार में जीतना तो अलग बात है, डरा के जीतना अलग बात है, छल के साथ जीतना अलग बात है, द्वेष फैला के ध्वंस करके जीतना अलग बात है। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, हमारा सिर्फ एक ही मंत्र था, एक ही फंडा था, नॉन वायलेंस। भाई आप तोपे दौड़ो, हमें मारो, चलेन वाला बाग करो, कुछ भी करो, हम नहीं भटकेंगे, हम आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, हम आपके ऊपर बॉम्ब नहीं फेंकेंगे, हमारा देश पूरा नॉन वायलेंस की राह पे चलता है, हिंसा तो आप करते हो, हम अहिंसक है। तो दैट वॉज द बिगेस्ट मैसेज द फ्रीडम फाइटर्स हैव गिवन द वर्ल्ड एट लास्ट। दैट्स द रीजन टुडे गांधी जी इवन आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ यू नो हिज बर्थ, he has been considered to be the biggest messiah, right? And though to preserve the culture and heritage, jaise maine bataya aapko apni culture kya hai, apni heritage kya hai, apni historical dhara kya hai, hum jo baatein karte hain customary practices ki, beliefs ki, superstitious galat baat hai, superstitious definitely galat baat hai, but jo hamare samskar hai, jo hamare religious practices hai, jo jaise livelihood hai, jo jaise hum jeena chahte hain, jeevan vidhan hai, आयुर्वेदिक है, योग शास्त्र है, पढ़ाई है, हमारा वैदिक मैथ्स है, हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो हिंदू गीता पे जो लिखी गई है, हमारे जो भी राष्ट्र के फेस्टिवल्स होते हैं, अपना अपना राष्ट्र का एक एक तरीका होता है जो जीने का कल्चर, जिसको हम कहते हैं कि अपने राष्ट्र का कल्चर, अपना पहनावा, अपना खाना पीना, रहन सहन, द काइंड ऑफ ए सोशल सेटअप, रिलीजियस एक्टिविटीज, फेस्टिवल्स, seasonal festivals, respecting the nature, nature worship, all these are cultural and heritage tags which we are very proud of. जैसे राजस्थान के प्लेस में जैसे रंगों का गुब्बार होता है, टाई एंड डाई वर्क करना, लाइक ए कलरफुल एम्ब्रॉयडरी होना, वहाँ के राजस्थान की महिला इतना मतलब कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके वाटर, विदाउट एनी वाटर दे सस्टेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। हिमाचल के प्रदेश में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, केरला में स्पाइसेस होती हैं, एजुकेटेड पीपल होते हैं, आंध्रा कर्नाटक और तमिलनाडु में टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है, बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ अभी अभी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो एवरी स्टेट हैज़ इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट, राइट। एवरी स्टेट हैज़ इट्स कल्चर, एवरी स्टेट हैज़ इट्स हेरिटेज, एवरी रिलीजन हैज़ इट्स हेरिटेज, एवरी मैन और वुमेन फॉर द पास्ट 150, 200, 400, 1000, 2000 ईयर्स डाउन द लाइन वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एन हेरिटेज एंड कल्चर। सो वी नीड टू लुक इन टू द गुड प्रैक्टिसेस, द बेस्ट प्रैक्टिसेस। जैसे हम अभी नमस्कार, जैसे कोविड के बाद हमें पता चला कि नमस्कार कहना कितना सेफ है कि नहीं, जैसे जैसे, क्योंकि हमारा हेरिटेज ही हमको सब कुछ देता है, हमारे हेरिटेज हमको ये बताती है कि आप ये करो, वो मत करो, तो हम कहीं कहीं भटक जाते हैं, रिलीजियस के नाम पे
दंगे फसाद हो जाते हैं, बट हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज हमें यूनिटी ही दिखाया। तो हमें ये याद रखना है कि टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हालांकि दो भाई है घर पे तो झगड़े होते हैं, दो बहनें हैं घर पे तो भी झगड़े होते हैं, छोटी सी फैमिली में भी अनबन हो जाती है। इतना करोड़ों का देश है, इतना बड़ा देश है, इतना बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस होते हैं, इतने रिलीजियस इश्यूज हैं, इतनी डाइवर्सिफाइड नॉलेज होती है। साइंस वाले कहते हैं कि भाई हमारा साइंस बहुत अच्छा है, सोशल कहते हैं कि आर्ट्स कहते हैं कि भाई हमारा आर्ट अच्छा है, स्पोर्ट्स वाले कहते हैं चलो भाई तुम अपना साइंस और सोशल बगल में रखो, हमारा स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी कहती है कि तुम तीनों तो चुप बैठो, टेक्नोलॉजी का तो बहुत ज्ञान होता है। तो एवरीवन विल हैव दे से कि दैट दे आर राइट, बट द राइट इज वी ऑल कलेक्टिवली आर राइट। अगर सोशली हम लोगों ने बहुत अच्छा कर लिया, साइंटिफिकली कुछ नहीं किया तो क्या किया? सोशली साइंटिफिकली कुछ कर लिया मगर टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या किया? सोशली साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए अगर हम स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ेंगे, नॉलेज में भी आगे बढ़ेंगे, विमेन एम्पावरमेंट में भी आगे बढ़ेंगे, यूथ के लिए भी स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा, तभी तो स्किल इंडिया बनेगा, तभी तो डिजिटल इंडिया बनेगा, तभी हमारा इंडिया मेक इन इंडिया कर सकता है। जैसे पिछले 4-5 साल से 6 साल से हम ये सब बातें सुनते आ रहे हैं, जो कि इट हैज बिकम अ रियलिटी, ना ही हम सुनते आ रहे हैं बट इट्स अ रियलिटी। अभी स्किल डेवलपमेंट के कितने प्रोग्राम्स हो गए, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन के कितने बड़े प्रोग्राम्स हो गए, यूनिटी सब में वो पेट्रियटिज्म का जो जज्बा जैसे आया। अब COVID-19 के टाइम पे देखो, मुस्लिम हिंदू को हेल्प कर रहा है, हिंदू मुस्लिम को हेल्प कर रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ वहां पे, तो कौन किसको कर रहा है? संविधान ने ऐसा एक प्रथा बनाया, आप अपने भाई भाई जैसे मिलके रहो, मिलके काम करो, तो कोई भी भूत भाग जाएगा, तो COVID-19 क्या चीज है? ऐसे करके आगे बढ़ने से हम देश का कुछ भी दुश्मन, कुछ भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सवर्निटी, सवर्निटी मीन्स इंटरनली वी आर यूनाइटेड, एक्सटर्नली वी नीड टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड एट लार्ज कि वी आर वेरी सुप्रीम लीडर्स। हम किसी के मतलब कि अंधभक्त नहीं है, हम किसी के मोज पे नहीं है, हम किसी के रखवाले नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है, वी आर सर्वरेन, वी आर हैविंग अवर ओन डेमोक्रेटिक सेटअप, वी आर हैविंग अवर ओन गवर्नेंस, वी आर हैविंग अवर ओन गवर्नमेंट, वी आर हैविंग अवर ओन पीपल, वी आर abundant as far as natural resources are concerned, human resources are concerned, technology is concerned, values are concerned, heritage is concerned, culture is concerned, food is concerned, and we are ready to take up international friendship, national bonds, state bonds, etc. So that tumhara yahan jo abundance hai wo aap hame dijiye, hamare yahan jo hai hum aapke sath baat sakte hain. So it is like a mutual cooperation, mutual extension of trade and culture, trade and commerce, e-commerce activities, industrial relations, friendly relations, state relations, bilateral relations, relations which where we can develop our scientific temper, scientific analysis, where we can express each other's view, where we can give and take kind of a policy. जैसे आपके पास ये abundance है तो आप हमें ये दीजिए, हमारे पास ये abundance है तो हम आपको दे देंगे। तो export import policies, regulations, जैसे liberalized, privatized, globalized economy में जो भी हम entrepreneurship की बात करते हैं, जो भी business की बात करते हैं, जो भी संविधान की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो it is our duty to safeguard the public property also. जो भी हमारा public property है, जो पुलिस स्टेशन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे जैसे हमारे धरोहर हैं, जैसे हमारे टेम्पल्स हैं, जैसे हमारे मॉस्क हैं, जैसे हमारे लैंड्स हैं, जैसे म्यूजियम्स हैं, जैसे जूस हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे पर्यटक प्रदेश हैं, जैसे विजिटिंग प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सबको हमें देखना है, इन सबको हमें सेफगार्ड करना है, इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है, इन सबको पब्लिक प्रॉपर्टी मान के। जैसे दिल्ली में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जैसे आगरा में हमारा ताजमहल है, जैसे बहुत सारे मंदिर है, मैसूर में जो पैलेस है, कहाँ कहाँ बहुत सारे, जयपुर में बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, हरियाणा में है, असम में है, असम के टी गार्डन है। तो ये सब बातें पब्लिक प्रॉपर्टी जो कहलाती है, इनको हमें सेफ गार्ड करना है। वी नीड टू हैव अ काइंड ऑफ अ फीलिंग that this is our property, this is our heritage, this is our culture, this is where we need to safeguard. हमें अपने बच्चों को बताना है, students को बताना है, volunteers को बताना है, NSS के बच्चों को बताना है कि we need to preserve them. जैसे मैंने पहले ही कहा,
अगर आप प्रिजर्व भी नहीं करते तो कोई मगर तोड़ना मत, झगड़ना मत, लड़ना मत, उसको बेचना मत, उसको खराब मत करना, बस एटलीस्ट वो तो आप कर सकते हो, अपने आप पे इतना तो काबू कर सकते हो कि पब्लिक प्रॉपर्टी को आप कुछ डिमोलिश मत कीजिए, कुछ ब्रेकअप मत कीजिए, कुछ उसको शेकअप मत कीजिए, वो सही है। आप उसको सेव नहीं कर सकते, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, बट एटलीस्ट यू हैव नो राइट टू टच द पब्लिक प्रॉपर्टी, क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ डैमेज, व्हाट यू कैनॉट रिपेयर एंड व्हाट यू कैनॉट प्रोटेक्ट, यू डोंट हैव राइट टू डू इट, बिकॉज लीगली इट इज अ क्राइम, लीगली इट इज अ क्राइम। देन कमिंग टू डिफेंड द कंट्री इवन एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ, ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर ऐसा कुछ हुआ, आपके ऊपर जंग आई, आप वुमेन को सेफ गार्ड करना है, बच्चों को सेफ गार्ड करना है, बूढ़े बुजुर्गों को सेफ गार्ड करना है, सीनियर सिटीजन को सेफ गार्ड करना है, फिजिकली हैंडीकैप को सेफ गार्ड करना है, ब्लाइंड पीपल को सेफ गार्ड करना है, आपके नेशन के पास आपको जाके लेना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग शायद थोड़े कमजोर हैं, थोड़े उतना बलवान नहीं है, तो इनको आप साइड में रखे, क्योंकि आप बलवान हो, क्योंकि आप ये कर सकते हो, अगर देश का बुलावा आता है, भारत माता चाहती है कि आप मुझे बचाओ, मुझे सेफ गार्ड करो, मेरे बच्चों को बचाओ, तो आपको आगे जाके उस कॉल को एक्सेप्ट करना है। वी कैन नॉट बी बैक व्हेन द थिंग्स आर ओपन फॉर फाइट, जब एक माहौल ऐसा बन गया कि आपको अपनी रक्षा करना चाहिए, तो आप पीछे नहीं हट सकते, डू और डाई, जैसे हम कहते हैं ना, आपको ये करो या फिर मरो, मरना क्यों, करके दिखाएंगे, जीत के दिखाएंगे, सेफ करके दिखाएंगे, हम अपने बूढ़ों को क्या, हम लोग बुजुर्गों को बचा नहीं सकते, बच्चों को बचा नहीं सकते, हम औरतों को बचा नहीं सकते, क्या हमारे जवान ऐसे भी हैं जो ये छोटे छोटे काम नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, तो इस बात की हमें ये हमेशा सोचना चाहिए। जब देश के ऊपर आपत्ति आती है तो हमारी आपत्ति है, तो जैसे के ऊपर जैसे जैसे कुछ रिक्वायरमेंट्स होते जाते हैं वैसे वैसे हमको वो काम करने चाहिए। तो अनदर पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मैंने कहा लेक्स है, रिवर्स है, लैंड है, एनवायरनमेंट है, वाटर बेड्स है, जैसे हमारे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है, फ्लोरल बेड्स है, बर्ड्स हैं, सेंचुरीज है, जो भी जूस है, जैसे वाइल्ड लाइफ रखा जा सकता है, जैसे बर्ड्स के सेंचुरीज होते हैं, जहाँ पे फ्लोरा है, फोना है, जहाँ के जंगल हैं, जहाँ के बड़े बड़े मतलब कि नेचुरल बेड्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, जैसे टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मछली होती है, जैसे बीनीथ ग्राउंड बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे ट्रीज होते हैं, प्लांटेशंस होते हैं, नेचुरल जो भी चीज़ें, जैसे हमको ये नेचर ने दिया, इतना सब कुछ हमारी नेचर ने दिया, जैसे मदर अर्थ भी से ना, तो इन सब चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट, अगर हम नहीं प्रोटेक्ट करते तो कोई और आके ले जाएगा हमसे, तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमारा देश का प्रॉपर्टी है, नेचुरल रिसोर्सेस हमारे हैं, जैसे कि हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, रिवर बेड्स हैं, फ्लोरा है, फौना है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, छोटे छोटे पेट एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं, ऑल दीज कैटेगरीज दे नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि we need to look into these kind of natural resources and safeguard them, we need to take care of these kind of natural resources which are very very required, which are, it's like a legacy we need to carry to the forward generations, to the generations who are coming next to us, right? It is a kind of a legacy. Today you are here on this planet Earth, you enjoy, you take the resource to the extent you need, not at your greed, and then you see that you preserve your natural resources. And also जैसे social evils होती हैं, gambling करते हो, dowry की harassment है, female infanticide है, इन सब चीज़ों से बच के रहो, social evils को invite मत करो, social evils का बढ़ावा मत करो, social evils को आप ऐसा situation में मत लाना कि social evils प्रबल जाएं, जैसे dowry की प्रथा है, like prostitution है, like begging है, जैसे सोशल इवल्स मतलब कि सती, जैसे एक ज़माने में सती की प्रथा होती थी, फिर अगर एक लड़की की शादी हो गई, वो विडो बन गए, तो बाद में शादी नहीं कर सकती थी, अभी तो सिचुएशन दूसरा रूप दे रहा है, विडो री मैरिज अलाउड है, सो सती की प्रथा भी कहीं भी एक्सेप्ट नहीं की जा रही है, चाइल्ड मैरिज ऑल्सो इज हाईली प्रोहिबिटेड, चाइल्ड लेबर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, जैसे जैसे सोसाइटी को जो भी डिस्टर्ब करती हैं, इस तरह की बातें, इस तरह की कामें, इस तरह की इविल थिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ इन्वॉल्व मत होइए, बट एक स्टेप आगे चल के इन चीज़ों को स्टॉप कीजिए।
इट इज आवर ड्यूटी। अगर हम अपने देश में जो भी नेगेटिव काम हो रहे हैं, जो भी पॉजिटिविटी नहीं है, जो भी सोशल इविल्स बढ़ रहे हैं, उभर रहे हैं, तो वी नीड टू स्टॉप इट। एज अ चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, आई ऑलवेज से कि इट इज अवर ड्यूटी, बिकॉज वी आर सेंसिटाइज्ड पीपल, वी आर सिविलाइज्ड पीपल, वी आर एजुकेटेड पीपल। अगर हम एजुकेटेड पीपल कंट्रोल नहीं करते तो कौन करता है इन सबको? अभी कोई रिफॉर्मर नहीं आता, अभी कोई फ्रीडम फाइटर नहीं आता, अभी नेता तो बाद में आएंगे, पुलिस बाद में आएगी, न्याय व्यवस्था बाद में आएगी। आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके घर के आसपास जो भी अन्य कारण से कुछ भी सोशल इवल्स हो रहे हैं, तो आपको आवाज उठानी चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है। इसका अवेयरनेस तो आप क्रिएट कर सकते हो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, एनएसएस की तरह, एनसीसी के कैंडिडेट्स की तरह, आजकल सोशल मीडिया पे भी। जैसे अभी अभव फाउंडेशन पीपल आर डूइंग राइट नाउ अ प्रोग्राम वेबिनार वेयर आई एम पार्टिसिपेटिंग। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ अ सिविलाइज सोसाइटी टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड लास्टली, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन द रेस्पेक्टिव स्पीयर्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत सारी स्पीयर्स होती हैं। जैसे वो बच्चा छोटा होता है या फिर बेटी छोटी होती है, तो छोटी उम्र के नीड्स अलग होते हैं, टीनेज के नीड्स अलग होते हैं, यंग माइंड्स के नीड्स अलग होते हैं, एडोलेसेंस के अलग होते हैं, मैरिड पर्सन के नीड्स अलग होते हैं, मिडिल एज के अलग होते हैं, एम्प्लॉयड के अलग होते हैं, सीनियर सिटीजन के अलग होते हैं। उसके बाद इंसान मर जाता है। तो अपनी सारी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, जैसे 0 to 70 years, 0 to 60 years, whatever the lifespan is, इन सब बातों में एक बात की ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे हम तरक्की करते जाते हैं, जैसे जैसे हम उभरते जाते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपनी पड़ाव पार करके जाते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से और एक स्पीयर तक, तो यहाँ पे सोशली, साइंटिफिकली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, रिलीजियसली, वट ऑल द ड्यूटीज वी हैव टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द हाउस, टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स सेल्फ, टुवर्ड्स द को सिटीजन्स, दैट वी नीड टू do. We have to adhere to the duties. We have to respect those obligations, right? So, jaise aap bache ho, to aap, you enjoy the fruits. Jaise you become an young, you are very fruitful person. You need to give something back to the society. Jaise aap middle age ke ho jate ho, aapke paas itna gyan hai, baato, sabko keho. Jaise aap budhe ban jate ho, to aapko sant ki tarah jeena hai, na ki ek magician ki tarah, right? To aap ek sant ki tarah jeete ho, to aap kya karte ho? आप सब बच्चों को इकट्ठा करके अपनी कल्चर की खूबी बता सकते हो, हेरिटेज के बारे में बता सकते हो, वैल्यू सिस्टम बता सकते हो, एथिकल फ्रेमवर्क कर सकते हो। सो इन सब की बातें होती रहती हैं। ये होते 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 जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है, हम जीवन के वो रखवाले जैसे धरोहर हो जाती है। हमारी फैमिली की एक रिस्पेक्ट होती है, एक एथिक होती है, एक वैल्यू सिस्टम होती है, एक एथिकल फ्रेमवर्क जो होता है, जो जिस दायरे में रह के हम सोशल लाइफ लीड करते हैं। हमारा इकोनॉमिक पोजिशन कैसा भी हो, वैल्यूज और एथिक्स में इकोनॉमिक्स पोजीशंस का बहुत स्टेबल होना, इकोनॉमिक पोजीशन बहुत हाई होने की जरूरत नहीं। एक गरीब, लाचार, बेचारा, सो कॉल्ड बेचारा आदमी भी एथिकली वैल्यू से बहुत अमीर हो सकता है, ना कि एक अमीर बहुत अमीर होते हुए भी दिल से, वैल्यू से, एथिक्स से गरीब हो सकता है। तो एथिक्स, वैल्यूज, कल्चर, हेरिटेज सिर्फ इकोनॉमिक मेजर्स में देखना एक गलत बात है। हमारा सोशल सिस्टम ये कहता है, भले ही हम थोड़े, मतलब कि वी मे नॉट बी सो इकोनॉमिकली रिच, बट व्हेन इट कम्स टू कल्चर, व्हेन इट कम्स टू हेरिटेज, व्हेन इट कम्स टू वैल्यूज, व्हेन इट कम्स टू एथिक्स, व्हेन इट कम्स टू फैमिली इंस्टीट्यूशन, व्हेन इट कम्स टू पेरेंटल केयर, व्हेन इट कम्स टू ब्रदरहुड, व्हेन इट कम्स टू यूनिटी, व्हेन इट कम्स टू लाइक यू नो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, व्हेन इट कम्स टू सेक्युलरिज्म, वी आर नेक्स्ट टू नन। वी आर लाइक वेरी वेरी फॉरवर्ड एंड वी कैन सेट एग्जाम्पल्स फॉर दैट। जैसे हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे अब्दुल कलाम जी हैं, जैसे गांधी जी, अम्बेडकर जी, जैसे हमारे पास बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे अनगिनत इतने फ्रीडम फाइटर्स हैं, इतने सोशल रिफॉर्मर्स हैं। इन सबको अगर आप, हम कहेंगे, वो थोड़े फ्रीडम फाइटर्स रिच नहीं थे। जैसे गांधी जी के पास क्या है? कुछ नहीं। बट गांधी जी के पास जब इतना खोजो, उतना धन, उतना वैल्यू, उतना एथिक्स, उतना पेट्रियोटिज्म मिलेगा, ना कि कोई राजा महाराजा के पास मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू अंडरस्टैंड इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, कल्चरल, रिलीजियस, टेक्नोलॉजिकल जो भी स्पीयर्स होती हैं, इसमें से हमें आगे निकलना है। ना ही आगे निकलना है, बट हमें एक्सेलेंस की टुवर्ड्स एक्सेलेंस वी नीड टू स्ट्राइव। ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको बताया। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है किसके लिए? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है किसके लिए? अगर आप देखेंगे इसके वजह से आपको रिस्पेक्ट मिलती है, इसका आप चेरिश कर सकते हो, इसको आप प्रोटेक्ट करना है, इसके प्रिजर्वेशन के कर्ता आप ही हो, यूनिटी आपको फैलानी है और हारमोनी आपको देनी है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपको इतना ताकत देते हैं, इतना मजबूत करते हैं। मैं फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करती हूँ, मैं थोड़े थोड़े पौधे लगाती हूँ, छोटे छोटे काम करती हूँ, छोटा सा ही सही, अपने तरफ से जितना हो सकते हैं हम उतना करेंगे, तो सब लोग करेंगे तो कितना बहुत खुश आएगा, कितनी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, कितना नेगेटिविटी डाउन होगा, कितना पॉजिटिविटी एनहेंस होते हुए नेगेटिविटी डाउन होते हुए कितना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आपको प्रिजर्व करने का मौका मिला है, आपको प्रोटेक्ट करने का मौका मिला है, इसके वजह से आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रही है, आपकी डिग्निटी बढ़ रही है, इसके वजह से देश की यूनिटी बढ़ रही है। अगर सब स्टेट्स मिलकर काम करेंगे तो यूनिटी बढ़ेगी, अगर सब कंट्रीज मिलकर काम करेंगे तो और भी ज्यादा हारमोनी होगी। तो इस प्रथा को हमें प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम ये देखेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसको कहाँ से कहाँ तक कैसा प्रोटेक्शन दिया गया है, कैसी प्रोटेक्टिव है ये। ये देखिए दो हाथ है, बुजुर्ग लोग जा रहे हैं अपना छोटी सी लकड़ी पकड़ के, संविधान साथ में है। अगर संविधान साथ में है तो अगर उम्र अगर साथ भी ना दे तो इट इज द यंग हैंड्स विच विल गिव प्रोटेक्शन टू दिस सीनियर कपल, सीनियर पीपल, सीनियर सिटीजन्स। तो फंडामेंटल ड्यूटी ये होती है, जैसे हम इनके बच्चे थे सब कुछ एंजॉय करते थे, अभी जैसे बुजुर्ग हो गया है, देश भी थोड़ा हमारा बुजुर्ग होता जा रहा है, सो हमें यंग हैंड से प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को निभाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो वी नीड टू हैव अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द वीक पीपल, वीक इन द सेंस कि ना ही सीनियर सिटीजन है। मैंने इमेज के लिए यही इमेज सेलेक्ट किया, जरूरी नहीं है कि ये सीनियर सिटीजन के लिए हो, जरूरी हो सकती है बच्चों के लिए भी ये हो सकती है, डिस्टिट्यूट्स के लिए भी हो सकती है, इकोनॉमिकली चैलेंज के लिए भी हो सकती है, लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए हो सकती है, वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए हो सकती है, सोसाइटीज के लिए हो सकती है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल क्रीड के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब्स को, माइनॉरिटीज को, जिनकी कोई आवाज नहीं है, जिनको पहले से ही दबा के रखा है रूलर्स ने, उनके लिए भी शायद हम प्रोटेक्टिव शील्ड बन सकते हैं, उनके लिए भी हम आवाज उठा सकते हैं, गरीब लोगों के लिए भी हम आवाज उठा सकते हैं, जिसकी तबीयत ठीक नहीं उसके लिए भी हम आवाज उठा सकते हैं, जिसको हेल्प चाहिए उसको हम हेल्प कर सकते हैं। प्रोटेक्शन तो बहुत बढ़िया वर्ड है, इसके तो बहुत सारे मतलब की सेडिमेंट्स होंगे, बहुत सारे मतलब की स्पीयर्स होंगे, इन सब बातों को हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इन माय नेक्स्ट स्लाइड आई जस्ट वांट टू टेक यू ऑफ टुवर्ड्स अ फंडामेंटल ड्यूटी विच सेज मोर अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। जैसे हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, जैसे मैं 10 साल की थी तो क्लाइमेट डिफरेंट था, 20 साल की थी तो डिफरेंट था, 30 साल की थी तो डिफरेंट था, अभी मैं 40 साल की हूँ तो इतना कुछ देखने को मिल रहा है। अनसर्टेन क्लाइमेट, जैसे क्लाइमेट चेंज की चेंजेस होती हैं, इतनी गर्मी बढ़ चुकी है, इतना मतलब कि पसीना आता है, इतना आपका ये घबराहट होती है, आपका सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, इतने सारे बीमारी फैल जा रही हैं, इतना मतलब कि धरती कह रही है कि इट कैन नॉट एफर्ड अस राइट। और इतना एनवायरमेंट को हम लोगों ने बहुत आगे बढ़ के, इंडस्ट्रीज खड़ा करके, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जोश में आके बहुत हम लोगों ने गलत किया। जैसे पौधे हमने काट दिए, जैसे चिड़ियों को हमने जी नहीं दे रहे हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल्स को शेल्टर नहीं मिल रही है। तो इतना डिस्ट्रप्शन जो हमने किया, ताकि हमें बढ़ना चाहिए, जरूरी है कि हमें एम्प्लॉयमेंट की खोज में इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का ध्यान भी देना है। नहीं तो पोल्यूशन के लेवल्स देखिए, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इवन इफ यू सी नॉइज पोल्यूशन इज देयर नाउ टेक्नोलॉजी के वजह से। अभी आपको ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जितना हो रहा है, ये प्लास्टिक का पोल्यूशन जितना हो रहा है, तो इन सबको ये हमारा कर्तव्य है। हम जैसे अपने घर को संभाल के सजा के रखते हैं, अपनी धरती माँ भी चिक चिक के बोल रही है कि मुझे भी सजाओ, मुझे भी संभालो, मुझे भी जीने दो, मुझे भी एक मतलब कि अपने आप को रिवाइव करने का चांस दो। जैसे हमने देखा अभी पौधे लगाना है, बिकॉज वी नीड दैट। टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, ओजोन लेयर वहां पे फट रहा है, और देर आर सेवरल चैलेंजेस, सेवरल इश्यूज एज फार एज क्लाइमेटिक कंडीशंस आर कंसर्न, क्लाइमेटिक इश्यूज आर कंसर्न, एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न। एनवायरमेंट का मतलब सिर्फ पौधे नहीं है भाई,
एनवायरमेंट का मतलब है कि पूरा, जैसे कि हम पंचभूत कहते हैं ना, लैंड वाटर सी एयर एवरीथिंग, एवरीथिंग पुट टुगेदर इज नेचर, एवरीथिंग पुट टुगेदर इज एनवायरमेंट, एवरीथिंग पुट टुगेदर नीड टू बी प्रोटेक्टेड। सो हमें एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स एंडेंजर्ड स्पीशीज की तरह हमने डिक्लेयर कर दिया। अभी हमको टाइगर बचाओ आंदोलन भी देखने को मिल रहा है, वो जो हमारा नेशनल एनिमल है उसको भी हमें बचाना है, पीकॉक्स को भी बचाना है, पौधों को भी बचाना है, फूलों को बचाना है, पक्षियों को बचाना है, इन सबको हम करेंगे कैसे? तो इसका एक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में अभी बहुत सारे इंटर्नशिप्स पूछ रहे हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत स्वच्छ संस्था जो है, एनजीओस है, सिविल सोसाइटीज है, सब बहुत काम कर रहे हैं। प्लास्टिक इरेडिकेशन पे भी बहुत सारा पैसा लग रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल पे भी बहुत सारा पैसा कट रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का भी। सो इन सब में हमें भागीदारी होके पार्क्स बढ़ा के, प्लांटेशन ड्राइव्स करके, स्वच्छ भारत का कार्यक्रम, जैसे जैसे हम नहीं सोच सकते कि भारत स्वच्छ कर सकते हैं, बट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिखाया। स्वच्छ भारत की अभियान इतनी बढ़ गई, लोगों के दिल में इतना तक गया कि बहुत सारा क्लीनलीनेस अडॉप्ट हो गया। और भी चैलेंजेस है, और भी थोड़ा सा मिशन पूरा 100% तो कामयाब नहीं है, मैं मानती हूँ, बट कामयाब डेफिनेटली हो सकता है। थोड़ा सा ये COVID-19 का माहौल थम जाएगा, फिर से फिर हम लोग उसमें लग जाएंगे। सो स्वच्छ भारत बच्चे बच्चे ने करके दिखाया। जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री अपने आप कह रहे थे कि द चिल्ड्रन वे हिज ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर स्वच्छ भारत मिशन, राइट? सो दैट है। उसके बाद स्किल इंडिया का प्रोग्राम है, एंड जो भी यूथ एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं उन सब में एनवायरमेंट का कनेक्ट बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इसमें एग्रीकल्चर भी जुड़ी होती है, इरिगेशन भी जुड़ी होती है, डैम्स, लाइक जैसे मैंने पहले कहा, रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट, फ्लावर बेड, जैसे कि हमारे छोटे छोटे संस्थान होते हैं, छोटे छोटे एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं, फार्म्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर होते हैं, सेरिकल्चर होते हैं, इसके अटैच्ड थोड़े सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसके इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, विलेज इंडस्ट्रीज होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज होते हैं, इन सब की बड़ा कहाँ से आती है? एनवायरमेंट से ही हमें बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स मिलता है। तो वी नीड टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट दैट मोर देन एनी अदर काइंड ऑफ अ फंडामेंटल ड्यूटी, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट टू मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस शुड बी द फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटी। इट इज अ बेसिक ड्यूटी बिकॉज वी केम फ्रॉम द नेचर एंड वी विल गो बैक टू द नेचर। जब हम मर जाएंगे तो धरती ये नहीं देखती कि तुम कौन हो, धरती ले लेती है तुमको, तुम इंसान हो भाई, चलो मेरे आंगन में आ जाओ, मेरे आंगोश में आ जाओ, बस उतना ही। सो व्हेन द लैंड डजंट हैव एनी डिस्प्यूट एज टू योर जेंडर, कास्ट, कलर, क्रीड, कलर, व्हाटएवर, यू शुड ऑल्सो शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इनहिबिशंस, यू शुड ऑल्सो बी अ वेरी प्रोएक्टिव सिटीजन इन प्रोटेक्टिंग योर एनवायरमेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे ये जो कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हम कहते हैं, तो अभी फंडामेंटल ड्यूटीज का ऐसा माहौल आया, व्हाट आर देयर इन आर्टिकल 51A, उसको थोड़ा सा साइड में रखते हुए अभी हमें पहले कोविड वायरस से जीतना है। वी नीड टू कम्बैट COVID-19। पहले मास्क पहनो, जहां बाहर जाने की जरूरत नहीं है वहां मत जाओ, अगर जाना बहुत जरूरी है तो मास्क पहन के जाओ, क्राउड को कतई अवॉइड कीजिए, जितना हो सकता है ऑनलाइन एक्टिविटी कीजिए, जितना हो सकता है घर पे रहिए। अब शादी ब्याह के काम, बर्थडे पार्टीज करना, ये करना, वो करना बंद कीजिए, शाम पे बैठ के गप्पे मारना बंद कीजिए, घर पे बैठिए, माँ बाप से बात कीजिए, भाई बहन से बात करिए, घर का हारमोनी बढ़ जाएगा। इतना समय आप बाहर करते थे, अभी आप घर पे कीजिए, घर पे देखिए कितना अच्छा माहौल बन सकता है। एंड जितना हो सके घर पे रहिए, अपने बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, लाचार हैं, उनका सेवा में लगे रहिए, उनको हिम्मत बढ़ाइए, उनको ये बताइए कि COVID-19 से हम जरूर ऊपर आ जाएंगे, जरूर, डेफिनेटली बाय द नेक्स्ट ईयर वी विल कम आउट ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस एंड वी विल हैव अ डेफिनेट गुड पॉजिटिव लाइफ। और पॉजिटिव वाइब्स जितने हो सकते हैं स्प्रेड कीजिए, इतने सारे नेगेटिव मैसेजेस, नेगेटिव व्हाट्सअप वो फॉरवर्ड्स होते हैं, लाइक फेसबुक अपडेट्स होते हैं, सोशल मीडिया के नेगेटिविटी होती है, उन सबसे बच के रहिए। आपको पता नहीं होता कि कौन सा सच है कौन सा गलत है, तो वेरीफाई जरूर कीजिएगा, फैक्ट चेक कीजिएगा। टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, मगर टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इल्स में जाना बहुत मतलब कि नाकाम चीज है। तो मैं अभव फाउंडेशन वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया। मेरी हिंदी शायद इतनी शुद्ध नहीं है, बट मैंने कोशिश तो की मैं हिंदी में थोड़ा सा बता सकूं करके, बिकॉज दिस इज ऑल ओवर इंडिया, जो जैसे यूट्यूब में होगा, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा हिंदी भी बोल लेती हूँ। तो आई सिंसियरली थैंक्स ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया।
जैसा कि आप डिस्कस भी कर रहे थे, राइट्स पे बात करते हैं, फर्स्ट ड्यूटी हम नहीं करते रिसेंटली, जब से जैसा कि आपने लास्ट स्लाइड में बताया, अभी कोविड की सिचुएशन सबसे तो गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस है उसका जरूर पालन करें, ये भी हमारी ड्यूटी है। इवन पालन करने के साथ ही हम किसी के अगर कुछ भी मदद कर पा रहे हैं, चाहे नॉलेज शेयरिंग के लिए, चाहे आप कुछ हेल्प कर पा रहे हैं, तो वो सारा भी बहुत है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सोशल साइट्स का हम पॉजिटिव इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जाने अनजाने हम निगेटिव भी बहुत सारी मैसेजेस ड्रॉप कर पा रहे हैं या फैला रहे हैं, तो इस बात से हमें बचना है। आप देखिए कि अभी अभी के टाइम पे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बहुत सारे मैसेजेस इधर उधर आ रही है, तो आप इस बात को पहले कृपया पहले चेक कर लें कि वो जेन्युइन है या फिर बहुत ओल्ड मैसेज है जिसको आप फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ये भी एक हमारी ड्यूटी है। अभी बहुत सेकेंड वेव में हम बहुत प्रॉब्लम में है, हमारे इंडिया बहुत प्रॉब्लम में है, जल्दी हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाएगा हमें ऐसा लगता है। ऑक्सीजन का वैसे हमारे यहाँ प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है, बट ट्रांसपोर्टेशन पे दिक्कत है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन की बहुत हैवी, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, हम मैम से उसका आंसर लेने का प्रयास करेंगे। संतोष पात्रा जी का एक क्वेश्चन है मैम, वेदर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नेसेसरी टू कंट्रोल पेंडेमिक लाइक कोविड 19? वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नेसेसरी टू कंट्रोल पेंडेमिक लाइक कोविड 19? अरे ये तो ड्यूटी है ना, कि जब इंडिया पे इतना भारी वायरस अटैक हो रहा है तो इट इज अ ड्यूटी, इट इज अ इनवाइव ड्यूटी ऑन द रूलर्स, ऑन ईच ऑफ द सिटीजन टू कंट्रोल द वायरस, टू कंट्रोल द वेज टू कम्बैट इट ना, तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी वी इनडायरेक्टली, जैसे गाइडलाइंस होते हैं किसको फॉलो करने हैं, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ओनली, इफ यू डोंट डू यू विल डाई अलॉन्ग विद यू अदर्स ऑल्सो विल डाई ना, तो इट इज अ राइट प्लस ड्यूटी बोथ। जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ की आप बात करते हो, राइट टू हेल्थ कहाँ से आया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आया, तो जब राइट है तो ड्यूटी किस पे है, ड्यूटी किस पे है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, मेडिकल फील्ड है, जो हेल्थ के जो रखवाले हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका ये ड्यूटी बनता है कि हमको इसका सपोर्ट करें। एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज नॉट एट द वर्सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नेचुरल राइट, जैसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं, इट्स नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स अ ह्यूमन राइट, इट्स अ नेचुरल राइट, इट्स अ बेसिक राइट। थैंक यू मैम। अभी जैसा कि एपिडेमिक एक बिल लागू है, तो हमें संविधान में जो भी हमें शक्तियां दी हुई है प्लस लॉ जो भी रूल्स है उसका भी पालन करना है, तो एपिडेमिक एक्ट है उसमें जो भी आता है उसको आपको पालन जरूर करना है। एक क्वेश्चन रंगराजन जी का है, मोस्ट ऑफ अस आर जनरली नॉट innocent of duties but ignorant of duties. True, true. ऐसा है कि भैया जब हम बोलेंगे कि आप केक खाइए तो हम केक खाएंगे, लड्डू खाइए खाइए खाएंगे, वो प्लेट उठा के रखिए नहीं, बीवी रखेगी, बहन रखेगी या फिर बेटी रखेगी, तो ये है, हम लोग इग्नोरेंट नहीं है, इनोसेंट भी नहीं है, मतलब हम करना नहीं चाहते। कौन पसंद से काम करेगा, बहुत कम लोग पसंद से काम करेंगे, अगर हमें पसंद है ना पसंद है फिर भी ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी वो चीज होती है जैसे आप अवॉइड जितना करते हो उसका नुकसान आपको ही बनना है, तो बेटर वी डू अवर ड्यूटी, वी क्रिएट अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर फॉर द कमिंग जनरेशंस, दैट इज व्हाट आई बिलीव। अभी अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, तो इनोसेंस की बात तो नहीं है वहां पे, जैसे मुझे लॉ पता नहीं अगर मैं बोलूंगी तो संविधान नहीं मानता, संविधान ये कहता है कि तुमको लॉ जानना है, ignorance of law is not an excuse, jab aapko ignorance cannot be a bliss to you, it is a duty cast on you, you have to do, only thing is you are not punishable, but if you involve in big crimes you are punishable again, but aapka statement mein wazan to zarur hai। haan ji, next question ghanshyam dagdal ji ka hai, how to save minerals from mafias? ये तो बहुत बड़ी मतलब कि क्या बोलते हैं चैलेंज है, इसके लिए स्पेसिफिक लॉस है, स्पेसिफिक पीपल है, स्पेसिफिक मशीनरी है, स्पेसिफिक टास्क फोर्स है, वो देख रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट है,
बट अगर हम कोई भी सिटीजन को ऐसी भनक होती है, ऐसी कुछ भी समाचार होती है, तो हमें तुरंत गवर्नमेंट मशीनरी को बताना चाहिए एट एन इंडिविजुअल लेवल। कलेक्टिवली सब मिलके कर सकते हैं, जैसे ग्रामों में कर सकते हैं, जैसे एरियाज में जहाँ पे माइंस हैं वहाँ के लोगों को, जो भी लोकल इनहैबिटेंट होते हैं उनको पता चलता है कि नाइट टाइम पे क्या होती है, इवनिंग्स पे कैसे स्मगलिंग किया जाती है, लेट नाइट में कैसे ट्रक्स आते हैं, तो दे कैन इन्फॉर्म द पुलिस, ट्रांसपोर्ट विल बी देयर, पुलिस विल बी देयर, द रेलेवेंट अथॉरिटीज विल बी देयर, स्पेसिफाइड पीपल विल बी देयर सेफ गार्डिंग। आई थिंक दैट्स इट, सिंस यू ओनली सेड ना इट्स अ माफिया, सो कंसर्न डिपार्टमेंट्स एंड अथॉरिटीज हैव टू टेक, बट एनी इंडिविजुअल नोस अबाउट इट दे कैन ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि प्लीज आप राइटिंग में जरूर दें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जहां तक हो सके ओली ना करें। शांति शर्मा जी का क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी इज टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, डू वी थिंक? या इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, जैसे हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलते ही नहीं, निभाते भी हैं। जैसे देखो अभी हिंदू भैया ने एक मुस्लिम बहन को बुला के वेबिनार किया, इससे बढ़कर कौन सी कम्युनल हार्मनी की बात हम कर सकते हैं, बताओ? तो दिस इज हाउ वी नीड टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ, दिस इज हाउ वी नीड टू स्टैंड इन हैंड, है कि नहीं? यस और नॉट? तो इट इज देयर, हमारा जैसे प्रियम्बल में ही लिखा जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया लाइक जस्टिस लिबर्टी इट्स ऑल गारंटीड, एंड इंडिया इज अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। थैंक यू मैम। अशोक कुमार जी का एक प्रश्न है, विच टाइप ऑफ मोर एंड मोर अवेयरनेस प्रोग्राम कैरी ऑन फॉर प्रेजेंट एरा? करंट सिचुएशन के हिसाब से तो भैया मैं तो कहूंगी सिर्फ डिजिटल मोड हो सकता है। सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म बनी हुई है, जहां आप नेगेटिविटी फैलाते हो, कम्युनलिज्म फैलाते हो, अफवाह फैलाते हो, वहां अच्छा अच्छा काम कीजिए, अच्छे बातें कीजिए। जैसे मैं अपने फेसबुक अकाउंट में बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम्स डालती हूँ, बहुत अच्छे से आर्टिकल्स लिखती हूँ, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल नॉन रिलीजियस नॉन फिक्शनल जैसे स्टेटमेंट्स और कमेंट्स होते हैं उनके साथ आप दोस्ती बढ़ाइए। एंड इन द प्रेजेंट टेस्टिंग टाइम्स ऑनलाइन डिजिटल मोड इज द बेस्ट मोड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक स्टोरी टेलिंग, मतलब कि घर पे अगर आप ऐसा माहौल बनाओ, बच्चों को बताओ, तो पर्सनल बॉन्डेज भी बहुत अच्छी एक माध्यम होती है, मीडियम होती है बच्चों को ये सब बताने की, कि हमारा विवेकानंद स्वामी जी कैसे थे, हमारे रिफॉर्मर्स कैसे थे, सोशल रिफॉर्मर्स कैसे थे, साइंटिस्ट कैसे थे, हमारे वेदास में क्या लिखा गया है, हमारे बाइबल में क्या है, कुरान में क्या है, इन सब की बातें तो घर पे बड़े बुजुर्ग बता सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अमृता एस मैम का प्रश्न है, हाउ टू स्प्रेड ह्यूमन राइट्स इन चिल्ड्रन? ह्यूमन राइट्स इन चिल्ड्रन, पहले ह्यूमन राइट्स बड़ों को सिखाओ, यंगस्टर्स को सिखाओ, एडल्ट्स को सिखाओ, बच्चों में ऐसा सिखाना जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना, बचपन से अगर कोई बात सिखाई गई तो उनके मस्तिष्क में बहुत बैठती है, वेदर गुड और बैड। सो बैड को हटाते हुए गुड में अगर ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, रेस्पेक्ट की बात करेंगे, लाइवलीहुड की बात करेंगे, लिबर्टीज की बात करेंगे, सस्टेनेंस की बात करेंगे, कम्युनल हार्मोनीज की बात करेंगे, जैसे लिव एंड लेट लिव जैसे कहते हैं, आप जियो और जीने दो जैसे हम बोलते हैं ना प्रोपोजिशंस में, तो इन सब की बातें बचपन से अगर बच्चों को बताई जाती है, तो जैसे हम लोगों ने देखा शिवाजी अपनी माता से कितने प्रभावित होके अपने देश के लिए, अपने महाराजा रूल के लिए कितना कुछ किया उन्होंने, तो ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई ये सब बच्चे ही थे जो अपनी माँ से सीख के ह्यूमन राइट्स को वैल्यू देके, एथिक्स को वैल्यूज देके जो आगे बढ़े। ऐसा ही अब हमारे कंधों पे ये कर्तव्य है, हम अपने बच्चों को ये सब बातों की सीख दें। अभी अच्छा टाइम है, घर पे बैठे हैं, तो एक दो घंटे बच्चों को ये सब बातें बताइए, नेट में बताइए, गूगल सर्च करके बताइए, बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट कीजिए, छोटे छोटे त्यौहार जैसे करते थे वो अभी आप ऑनलाइन में भी कर सकते हो, सब लोग कर सकते हैं, एक एनजीओ फॉर्म कर सकते हैं, ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं तो चारों फैमिलीज को मिला के जूम मीटिंग में भी कर सकते हो, तो ये कौन सी बड़ी बात है? Definitely it has to be done. I strongly appreciate the question. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज की सेशन यहीं समाप्त करेंगे। ड्यूटीज के बारे में जनरली हम बात नहीं करते हैं। आज हमने इस सेशन के माध्यम से आप सभी के बीच में ड्यूटीज की डिस्कशन रखा और मैम ने
बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि किस प्रकार से हमारी ड्यूटीज होनी चाहिए, इवन हमें दैनिक जीवन में भी किस प्रकार से फॉलो करना चाहिए ना चाहिए। तो अवा फाउंडेशन की ओर से और हमारे ऑडियंस की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैम, और आपने इतने अच्छे से ड्यूटीज के बारे में हमें अवेयरनेस दिए, इसके लिए अगेन मैं अभाव फाउंडेशन की ओर से आपका धन्यवाद करूँगा। मुझे भी आप सबसे यही उम्मीद है, आगे चल के हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे, और वी विल ट्राई टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी एज मच वी कैन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। अगर कुछ गलती हो गई हिंदी बोलने में थोड़ा सा माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नो मैम, हिंदी ऐसे भी बहुत कॉमन लैंग्वेज है और बहुत अच्छे से आपने हिंदी बोल पाए, कोई दिक्कत नहीं हुई, लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया, तो धन्यवाद आपका अगेन। और आप सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज फीडबैक फॉर्म जरूर फिल करें, आज की कोड जो है वो 75 है 75, प्लीज आप सभी नोट करें, आज की कोड जो है 75 है। आप सभी को हमारे वेबसाइट पे जाना है www.abhav.in, सिक्योर्ड वेबसाइट है हमारी, वहां जाके एक हमारे पेज है अपकमिंग इवेंट्स की, अपकमिंग इवेंट्स पे जाए तो बहुत सारी पोस्टर मिलेगी, उसमें आज की पोस्टर भी है, उस पोस्टर में आज की मैम की उसमें एक इमेज भी आपको देखने को मिलेगी, उस पोस्टर को आपको डबल टैप करना है, दो बार क्लिक करना है, डाउन में आपको दिखेगा क्लिक फॉर अटेंडेंस फॉर्म, उसको आपको क्लिक करते ही गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगी, फिर उसको आपको फॉर्म में सारी डिटेल टाइप करनी है और ये कोड भी आपको टाइप करनी है 75, और फिर फॉर्म को सबमिट कर देना है, एक छोटा सा प्रोसेस है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फीडबैक फॉर्म जरूर फिल करें, और कल भी हमारा सेशन है, कल के सेशन के लिए भी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि कल का सेशन भी आप ज्वाइन करें, ताकि हम जो नॉलेज शेयर करना चाह रहे हैं वो सभी तक पहुंच पाए। कल की सेशन सॉफ्ट स्किल पे है, डॉक्टर रामा मंटू मैम हमारे साथ कनेक्ट होंगी, न्यूट्रिशनिस्ट है, मोटिवल स्पीकर स्पीकर पर्सन प्रिंसिपल है APS मथुरा कैंट में, डॉक्टर रामा मट्टू में। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप कल की सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करें, सेम टाइम पे है, सेम यूट्यूब पे है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दीप्ति रैना मैम, हेमूराम साहू जी धन्यवाद आपका, आशीष गुप्ता जी, संतोष पात्रा जी, प्रशांत होता जी आपका भी, अमृता मैम, आदित्य राय जी, श्रुति एस मैम, नंदे सिंह जी, प्रहलाद सेना जी, डॉक्टर दीप्ति गौर जी, डेविड पॉल जी, घनश्याम दास गर सर, जोएल बर्मेश्वर सर, रौनक जी, राजा सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नीलम डॉक्टर नीलम कुमारी वर्मा मैम आपका भी धन्यवाद, रौनक जी अगर आंजल जी, चाइल्ड राइट एंड पेरेंटल कंट्रोल मस्ट है टू बैलेंस अदरवाइज चाइल्ड राइट एंड फ्रीडम विल स्पॉइल द फ्यूचर। सही है, आप सही बोलते हैं। आशीष गुप्ता जी आपको भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हम कल फिर इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ, शुभ रात्रि।